क्या यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर, क्या प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, क्या पापियों को नाश करने यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए? नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापियों को नाश करने नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापियों को बचाने आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र तरीके से यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है। आज से 2023 साल पहले यीशु का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। और यीशु का जन्म कैसे होता है? यीशु का जन्म आपकी तरह वेदन यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र तरीके से हुआ हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने हालेलुया यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी लड़की के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसकी मंगनी एक यूसुफ नाम व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब वो परमेश्वर से बैठ के प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर का दूत उसके सामने आया और कहा, मरियम तू आनंदित और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर है, कि तू एक पुत्र को जन्मे और तू उसका नाम यीशु रखना, जो संसार के लोगों की पाप और भय से बचाएगा। और उसने कहा कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, कि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर है, ताकि तेरे पुत्र को जन्मे, तू उसका नाम यीशु रखना। और मेरे दिल में बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जब प्रभु यीशु मसीह का 9 महीने बाद जन्म हुआ, तो यीशु मसीह होने के बाद यीशु मसीह ने 3 साल की उम्र में हालेलुया यीशु मसीह ने 3 साल में सेवा शुरू किया, और उन्होंने आपकी तरह हमेशा एक मनुष्य का जीवन जिया, लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी को उल्टा नहीं बोला, यीशु मसीह ने किसी को गाली नहीं दी, यीशु मसीह ने किसी को मारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने 3 साल की उम्र में मुझे अपना काम शुरू किया, उन्होंने अंदर को पाप नहीं दिया, लेकिन उसको चलाया, मुंह को बोली दिया, मरो को जिंदा किया। यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह ने करने शुरू कर दिए, और यीशु मसीह अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग जगह में जाकर यीशु मसीह सेवा करते थे, जो पाप में जकड़े हुए थे, जो बुराई में जकड़े हुए थे, शैतान उनको बांधा हुआ था, इस रीति से वो परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर वहां में सेवा कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठकर खाना भी खाया करते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे फरीसी लोग थे, जो फरीसी लोग थे यीशु से कहते थे कि पापियों के साथ बैठकर खाना क्यों खाता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में लिखा है, वचन में बताते हैं जब मत्ती के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका हम 12 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि सुनकर यीशु ने उनसे कहा कि वे भले अव्यय भले नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया, हम सब जानते हैं कि कभी भी किसी ठीक ठाक स्वस्थ इंसान के लिए जो स्वस्थ है, जो ठीक ठाक है, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, उसको वैद्य की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक बीमार व्यक्ति को, एक परेशान व्यक्ति को ही वैद्य की जरूरत है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, हम बीमार थे, हम परेशान थे, पाप में जकड़े हुए थे, बीमारी में जकड़े हुए थे, और शैतान ने बांधा हुआ था। आज दुनिया में देखें कि लोग कहा कैसे कैसे दूसरे का मर्डर करते हैं, कैसे लोग क्या करते हैं अपने जीवन को दारू पीने में, गुटखा खाने में, बीड़ी पीने में, गंदी गंदी बातें करने में, गाली गलौज में कैसा जिंदगी बिता रहे हैं, कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको वैद्य की जरूरत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर धर्मी नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया है, जन्म कर्म स्वभाव सबसे वो पापी पाया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पाप किसी पानी से धुलने वाले नहीं है, हमारे पाप किसी के बलि करने से धुलने वाले नहीं है, हमारे पाप ऐसे धुलने वाले नहीं है। पाप को धोने के लिए एक ही का लहू है, वो है यीशु मसीह। आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्यों मरा, कि मैंने कौन से पाप किए हैं, वो तो कृष्ण का परमेश्वर है। लेकिन बताना चाहता हूँ मैं आप सभी को कि बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाने पाए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। ये पाप जो हम करते हैं, ये पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी ये काम करना नहीं सिखाता, हमारा परमेश्वर कभी भी ये मेरे जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहता, हमारा परमेश्वर कभी पाप करना नहीं सिखाता, हमारा परमेश्वर कभी श्राप पीना नहीं सिखाता, हमारा परमेश्वर कभी भी पीड़ित प्रभुओं को खाना सिखाता नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें
तेरे पीर बताना चाहता हूँ कि जब भी हम पाप करते हैं और पाप कर भरते हैं तो मैं बताता हूँ हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम सभी के बलिदान के लिए, हम सभी के पापों के लिए एक इंसान की बलि चाहिए थी, जिसे वो परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इंसान बनकर आया। लिखा है यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि वो वचन जो यीशु है वो शरीर में आया और हमारे बीच में डेरा किया है। वो यीशु मसीह शरीर में इस पृथ्वी पर आया, एक कुंवारी लड़की द्वारा जन्म लिया, हमारी तरह यीशु ने जन्म नहीं लिया है ताकि हम उसके बेटा और बेटी कहला सके, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास कर सके। इसलिए बताना चाहता हूँ कि यीशु ने उनसे कहा कि एक भले चंगे लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, लेकिन बीमार लोगों है। लेकिन तेरा में लिखा हुआ है, वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान से नहीं परंतु दया से चलता हूँ, जाता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह हम सभी पापियों को बुलाने आए हैं ताकि हम पापी सही बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन को बदलता है, यीशु मसीह हालातों को बदलता है। बाइबल में पढ़ना कि यीशु मसीह ने अंधों को आँखें दिया है, लंगड़ों को चलाया है, मुंह को खोल दिया है, मरों को जिंदा किया है। ये सारी बातें एक व्यक्ति के जीवन में सुधार को लेकर आती है, एक जीवन के बदलाव को लेकर आती है। जब हम जीवन में पाप करते हैं, यदि आदमी बीड़ी पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना और गंदी बातें छोड़ देता है, तो ये बातें एक वचन व्यक्ति को सुधारती है, बिगाड़ती नहीं है। लेकिन मेरे कुछ भाई बहन हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा यीशु तो क्या करने आया, एक धर्म बदलता है, यीशु तो लोगों का ये करता है। लेकिन बताना चाहता हूँ, यीशु जीवन बदलता है। यदि आपका आप चाहते आपका जीवन बदले, उस यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु जिसने आपके जीवन में आएगा आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जो ऐसे काम करता है, पाप में जीवन बिताता है, मेरे मित्र वो अंधेरे में है। अंधेरे में मतलब ये है कि वो अभी भी पाप और बुराई में जीवन जीता है। लेकिन बताना चाहता हूँ कि आपके पापों को, आपके जीवन को, आपको उस अंधेरे से, आपको उस नरक से बचाने के लिए एक ही है, वो है यीशु मसीह। यदि आप चाहते हैं कि मैं अंधेरे में रोशनी को प्राप्त करूँ, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप जानते हैं अगर मैं इस वीडियो को अंधेरे में बनाऊंगा आप मुझे नहीं देख पाओगे, वैसे ही आप अंधेरे में हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन किस हालातों में है, आप पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप अपनी गालियां दे रहे हैं, आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ में चलेगा वो अंधकार में नहीं चलने पाएगा। जिस दिन आप यीशु मसीह में चलना शुरू करोगे, आपके जीवन से अंधेरा चला जाएगा, आपके जिन बाइना चली जाएगी, आपके जीवन से पूरी आते छुट जाएगी। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन बदलता चला जाएगा, यीशु के जीवन को बदल देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आप डिसीजन ले। क्योंकि यीशु ने कहा आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके नाम से आपको उद्धार मिल सके, मुक्ति मिल सके। एक बार मुक्ति मिलेगी जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेंगे, आपके हालातों को बदलेंगे, आपको अनंत जीवन देंगे जो कभी खत्म नहीं होता। अमर का जीवन परमेश्वर आपको देगा। आपको सोचना है कि क्या मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसी लतें हैं मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। यीशु से कहे, पिता यीशु मेरे जीवन से ये बुरी लतें छूट नहीं पाई, आप मदद करें, यीशु के नाम से छूट जाए, आप ऐसा प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है। क्योंकि यीशु ही है जो तीसरे दिन मरकर जिंदा हुआ, आज तक कोई मरकर जिंदा नहीं हुआ, एक ही है जो मरकर जिंदा हुआ है, वो है यीशु। आप इतिहास में देख लेना कि किसे भी मरकर जिंदा नहीं हुआ, एक ही मरकर जिंदा हुआ है, वो है यीशु, वो है यीशु।
है मोहन यीशु। मैं वीडियो बताना चाहता हूँ इस शरीर को छोड़ने से पहले, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले आपके पास मौका है। अपनाओ उस परमेश्वर को, अपनाओ यीशु को, विश्वास करो जीवित परमेश्वर पर। एक बार मर गए तो कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम मर जाते हैं, हमें कुछ हो जाता है, हमारे पास मौका नहीं है। क्योंकि याद रखना, हमारे पास फिर लास्ट में मौका नहीं होगा, फिर हमें रोना और चिल्लाना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक आपके अंदर सांस है, अपनाए यीशु को और कहे प्रभु मुझे बचा। प्रभु आपके जीवन को बचाएगा, आपके दिल में आएगा। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरा शब्द सुनेगा, जो मुझे पुकारेगा, मैं उसके दिल में आऊंगा, उसके अंदर वास करूंगा। आप चाहते हैं प्रभु अभी इसी वक्त आपके जीवन का प्रभु आपको